हाई फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मेरी एक इन्विटेशन है। तो हम सबको बुलाया गया है नीचे क्योंकि आज हमारा गजानन महाराज की जन्मदिन, तो उसी का ही पर्पस में नीचे हमको खाने के लिए इनवाइट किया गया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं नीचे। तो मैं थोड़े टाइम अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी, तो उसके बाद नीचे आ चुकी हूँ। देखो, इसी के घर पे सारे आंटी, सारे दीदीज लोग सभी मिलके उनकी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और इतना सुंदर प्रोग्राम भी अरेंज किया। और देखो हाउ ब्यूटिफुली दे हैव अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो अब देखो मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि नीचे हमारा खाने का अरेंजमेंट किया गया है, तो इसलिए सारे फ्रेंड्स, बच्चे लोग, सब भी लोग एंड ऑल रिलेटिव्स, दे हैव फुल अपार्टमेंट, सभी को इनवाइट किया गया है। तो अभी 2:30 बज रहे, तो इस टाइम में मैं आगे खाना लेने के लिए, और इधर देखो मैं ज़्यादा चावल पसंद करती हूँ इसलिए चावल ज़्यादा ले लिया, और पराठा रोटी ये सब ज़्यादा नहीं खाती इसलिए ये नहीं लिया। और इस खाने में था, अब जैसे देखिए चावल था, पूरन पोली और 2-3 टाइप मिक्स दाल था, बेसन की एक सब्जी था और कढ़ी था, ये सब बहुत कुछ था, पराठा, ये सब बहुत आइटम उन्होंने बनाए। तो दाल तो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा, हर आइटम्स ही बहुत अच्छा है, इसमें स्पेशली दाल मुझे बहुत पसंद आए, चावल के साथ खाने में मज़ा आ रहे थे बहुत। तो देखो इधर बातचीत चल रहा है, तो आप देखते रहिए। घर जाके टिंकू को बताऊं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसका नाम डिंपल होगा। तो इधर देखो एक दादी तो पानी ले रहे थे, तो मैं इसको हेल्प कर रही थी इसलिए वीडियो उधर ऑफ कर दिया। तो अब मेरा खाना ख़त्म हो गया, तो मैं सभी के साथ हाय हेलो बाय बाय बोल के घर जाने वाली। तो आप लोगों के साथ लास्ट मोमेंट में थोड़ा कुछ दिखा रही हूँ इधर क्या क्या था खाने में। घर पहुंचने के बाद 4 बज गया था, तो उस टाइम में मैं थोड़ा टाइम रेस्ट किया, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उसके बाद शाम को चिकन लेकर आए थे तो इसको बनाने के लिए प्रिपरेशन चल रहे थे, तो इसको अब धोने जा रही हूँ और इसके बाद इसको मैरिनेट करके फिर चिकन बनाऊंगी, और साथ साथ में चावल भी होगा और फिश फ्राई है वो उसके साथ खा लूँगी। रात में यही हमारा खाने का था, तो देखती रहिए आप लोग। Thank you.
चलो आज के व्लॉग इतने तक ही, तो मेरी ऐसे छोटे छोटे व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक चलो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो पे, बाय।